हेलो, कौन बोल रहा है? क्या बात कर रहे हो? कब हुआ ये गजब? हाँ हाँ, अभी 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 भेजते हैं अपने बापू को। बापू, माँ, बापू, माँ, जल्दी बुला, जल्दी। और क्या हुआ? पांगे के घर में गीजर फट गया। अरे गीजर तो बाथरूम में होता है। ए, स्वीटी जी से सवाल मत पूछ, बाथरूम तो घर में होता है ना। अरे बापू जल्दी जाओ, बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया है। अरे हाँ हाँ, चलो चलो, पांगे के मरने से पहले उसे पूछ लेते हैं कि लिफ्ट बाथरूम खराब क्यों होती है। वो स्वीटी बाहर गांव जाते जाते इससे अपनी खाली खोपड़ी की बीमारी तो नहीं दे गई ना? तू चुप कर, चलो चलो, तू नहीं, चलो चलो। अरे चलो ना, चलो ना, तू मैं मम्मी डैडी साथ साथ दौड़ते कैसे लगते हैं ना। हाँ, चापसी भाई की दुकान पर तेल के ड्रम उतरते हैं ना, तब वो ऐसे ही लुढ़कते हैं, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि तूने उन्हें अप्रैल फुल बनाया तो भड़क जाएंगे। हाँ यार, ये तब तक हम और दो चार लोगों को उल्लू बनाते हैं। चल चल, कादर भाई, काजल भाई बोल रहे हैं। आपको पता है अलीबाग में एक चमत्कारी कुत्ता पैदा हुआ है? हाँ, वो जिसके भी टकले को चाटता है उसके सर पे बाल उगाते हैं। हाँ हाँ, सच्ची में आप अलीबाग जाना और वहाँ पहुँच कर किसी से भी पूछना कि तेल वालों के पेट पर लात मारने वाला कुत्ता कहाँ है। अरे जल्दी जाओ, इससे पहले कि अनुपम खेर और राकेश रोशन उस कुत्ते का भाव बढ़ा दे, आप वहाँ पहुँच जाओ। ठीक है ठीक है। चलो चलो, अब मैं मनोरमा मोटी को अप्रैल फुल बना दूँगा। हेलो मनोरमा जी, अरे गजब हो गया। हाँ, अंधेरी रोड पर किसी ने आपकी शक्ल हाथी की बॉडी पर फिट की है और उसके पोस्टर लगवाए हैं और नीचे लिखा है, इस हथनी से बच के रहना, ये लोगों के संसार में आग लगाने की सुपारी लेती है। हाँ, ओके ओके। अब मेरी बारी, मेरी बारी। जल्दी फोन कर रही है। अरे बोला। हेलो प्रोफेसर साहब, आप जल्दी से कुमा हॉस्पिटल पहुँचाइए, एक ट्रक ने आपकी बाइक को उड़ा दिया है। जी सर, ओके। प्रोफेसर की बाइक है। अरे वही तो, प्रोफेसर साहब इतने भुलक्कड़ है कि जब कुपा हॉस्पिटल पहुंचेंगे ना तो उनको याद आएगा, अरे मेरी तो वाइफ ही नहीं है। हेलो, क्या बात कर रही है? अपन को उसका नाम बता। क्या हुआ? अरे स्वीटी के साथ किसी ने जबरदस्ती शादी कर ली और अब उसे हनीमून के लिए जबरदस्ती अंडमान निकोबार लेकर जा रहा है। क्या यार काजल, हम दुनिया भर को अप्रैल फूल बना रहे और तू स्वीटी से फूल बन गई। और क्या, एक बार स्वीटी किसी के साथ जबरदस्ती शादी कर सकती है, लेकिन कोई उसके साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता है? अबे हटेली, अपन को अप्रैल फूल बना दिए क्या? सुबह से कोई मिला नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, रख बे, काय को उस गरीब को लूट रही है। हाँ ठीक है। क्या हुआ? अरे उसने उस एसटीडी बूथ वाले से कहा कि मैं शाहरुख खान से बात कर रही हूँ। वो भी हटेला खुश हो गया, बोला आपको जितनी बात करनी है आप बात करो, लेकिन शाहरुख खान को बोलो कि बलिया आकर मेरे साथ चाय पिए। बोलो, शाहरुख खान को खुद के घर जाके पानी पीने की फुर्सत नहीं है और ये उसे बलिया चाय के लिए बुला रहा है। ये स्वीटी कब तक रहेगी बलिया? पता नहीं। हाँ, जब से उस फकीर ने कहा है ना तुम्हारे मन का मीर शहर में नहीं गाँव में मिलेगा, वो नानी के घर जाके बैठ गई है। पता नहीं क्या हाल बना रखा हुआ गाँव वालों का। ज्यादा खोल डालेगा। नहीं नहीं, तू जाएगी हैंडल तोड़ देगी, मैं ही खोलती हूँ। या मेरी टांग टूट गई, तुम लोग दादी खा रहे हो? बस क्या बाबू, हमारा पैतरा हम ही पर आजमा रहे हो। पाव में मोच आ गई बोल के हम लोग को अप्रैल फूल बनाना चाहते हो? ए चुप कर, उनके पाव में सचमुच मोच आई है। पक्का पांगे आया होगा, उसके घर के सामने 150 लोग जमा हुए थे। अरे आधे से ज्यादा लोग तो सफेद कपड़े पहनकर पहुंच गए थे। सोसाइटी के सेक्रेटरी की पोस्ट भी अजीब होती है, आधे से ज्यादा लोग उसके मरने की दुआ करते हैं। अरे जाने, दरवाजा खोल। जाता है अपन। ए गाना गा के दरवाजा खोल, कोई जरूरत नहीं है। इतने टाइम तक उस स्वीटी ने गा कर दरवाजा खोल के लोगों को पकड़ डाला है, अब कुछ दिनों तक हमारे घर का दरवाजा शरीफों के घर की तरह खुलेगा। बोलो, बदमाशों के बदमाश शराफत की बातें कर रहे हैं। ऐसा ही होता है डैड, आजकल लोग अहिंसा की बात मनवाने भी हिंसा का सहारा लेते हैं। आ गई भेजा को जूनियर। अरे तुम लोग जिंदा तो हो? क्या बकरी है? हाँ, मैं कब से बेल बजा रही हूँ। मैंने सोचा फूड पॉइजनिंग के वजह से तुम सब लोग लुढ़क गए हो। बकवास बंद कर, समझी ना, इधर काय को आई है? वो क्या हुआ, मेरे मम्मी डैडी बाहर गाँव गए हैं
और मेरी बातों की वजह से अमित जी का आधा सर दुखने लगा है। तो मैंने सोचा गुरु मैया भी नहीं है तो मैं यहाँ आकर तुम लोगों का ध्यान रख लूँ। तू हमारा ध्यान रखेगी? हाँ। अरे राम सिंह तुम बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ, आओ यहाँ, जहाँ जगह मिले वहाँ रख दो, चलो जल्दी रख दो। बस ये क्या है? ये खाना, मम्मी ने मुझे कहा है गरीबों के घर खाली हाथ नहीं जाते। ए, हमारे घर में बैठकर हम लोग ही गरीब बोलती है तो तुम बाहर चलो, मैं तुम्हें बाहर गरीब बोलती हूँ। जाने दो काजल, इसके मुंह क्यों लगती है तू? आ, 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 क्या हुआ? इनके पाँव में मोच आ गई है। ओ अच्छा 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 अच्छा, राम सिंह तुम्हें हड्डियाँ ठिकाने लगाने आता है ना? देखो अंकल के पाँव को। नहीं 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 नहीं, ये हड्डियाँ ठिकाने लगाने के बजाय मुझे ठिकाने लगा देगा। नहीं अंकल, ये बहुत एक्सपर्ट है, ड्राइवर की नौकरी करने से पहले ये लोगों की हड्डियां जोड़ता था। ए चलो, और ड्राइविंग करके हड्डियां तोड़ता था। नहीं हाँ, एक में बैठ जाइए, अब आप आ हो नहीं कहेंगे, वाह कहेंगे। अरे क्या हुआ? पहले इनके पैर में मोच ही था, अब मोच आया है इनके पैर में। क्या ये झूठ बोले थे? अब मजा आएगा मोच का। ये लो 100 रुपए। किस चीज का मैम साहब? अंकल की टांग तोड़ने का। थैंक यू मैम साहब, थैंक यू। ए, ए, बहुत दुखता है। हाँ तो झूठ बोलोगे तो ऐसे ही होगा ना। मान गए। चलो अंदर, गर्म पानी का सेका देती हूँ। चलो अंदर जाना पड़ेगा, पानी आना हो ना। चल वहाँ चलने दो, कैसे चलेगा? चल आओ चलो। ए यहाँ मैं तुम लोगों को एक बात बताती हूँ, यहाँ आओ सुनो। ए तुम्हारे डैडी लंगड़ाते हुए कैसे लगते हैं मालूम है? जैसे उपकार फिल्म की प्राण की तरह। वो उसमें एक गाना भी गाता है, तस्मे वादे प्यार वफा सब बातें है बातों का क्या। इसकी जात को, तू इनडायरेक्टली अपुन के बापू को लंगड़ा फकीर बोल रही है। अच्छा नहीं लगा तो उन्हें बाहर बुलाओ, मैं उन्हें डायरेक्टली बोल देती हूँ। ए चुप कर। अरे जाने देना यार, आज अप्रैल फूल का दिन है। हाँ यार। ए कितने और लोग रह गए अप्रैल फूल बनाने को? ए! तुम लोग मुझे अप्रैल फुल बनाओ तो मैं जानू। क्यों? हाँ क्योंकि मैं पहले से उल्लू हूँ, तुम लोग क्या मुझे उल्लू बनाओगे? हाँ यार, इसने बात तो अकल की है। क्या मैंने अकलमंदी की बात की? ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया? सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। कसम से क्या येड़ी है, लोग बेवकूफी की बात बोल के सॉरी बोलते हैं और ये अकलमंदी की बात करके दुखी हो रही है। ये आइडिया, हम लोग अमित जी को अप्रैल फूल बनाते हैं। हाँ, लेकिन कैसे? अरे उसको यहाँ बुलाते हैं और इन दोनों का झगड़ा करवा देते हैं। हाँ, और डिवोर्स की नोटिस भी दे डालते हैं। क्या? हाँ, मेरे बहुत दिनों से तमन्ना थी कि मैं अमित जी को डिवोर्स की नोटिस दे दूँ, तुम ये मेरी तमन्ना पूरी कर दो प्लीज। अच्छा ठीक है, उसको यहाँ बुलाओ तो फिर देखते हैं। हाँ बुलाती हूँ। हेलो अमित। हाँ कैसे बेटा? तो ना स्नान कर लिया? ओके बेटा, अब सुनो यहाँ गुरु मैया के घर चल गया। देखो ज्यादा बात नहीं करने की, गुरु मैया के घर चले आओ। तुम अपने हस्बैंड के साथ बात कर रही थी कि 5 साल के बच्चे के साथ? अरे मेरे मम्मी ने मुझे कहा है कि हस्बैंड को हमेशा छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए ताकि हमेशा उसे छोटेपन का एहसास रहे और वो जिंदगी भर दबा रहे। वेरी गुड, इसकी माँ भी महान है। हाँ मेरे जैसे महान बेटी को जन्म जो दिया है। एक पाँव लंगड़ते लंगड़ते दूसरा पाँव भी दर्द करने लगा, कहीं जिंदगी भी लंगड़ना ना पड़े। अंकल आपको देखकर मुझे याद आया कि एक टांग की मुर्गी किसे कहते हैं? किसे? बैंगन को। मुझको देखकर तुझे बैंगन की याद आती है? नहीं बैंगन के भरते की। बापू ये हम लोग को स्वीटी की कमी महसूस नहीं होने देगी। या, मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया। मेरे सैया, मेरी चार, मेरे डैडी के दामाद आ गए तुम। क्या बात है बबली, तुमने मुझे इतना अर्जेंट फोन करके क्यों बुलाया? वो क्या बात है ना, ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं। कौन सी बात? यही कि तुम जोरू के गुलाम हो। बात? हाँ इसलिए मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि तुम मेरी कोई बात नहीं टालती। चलो इन लोगों के झूठे बर्तन साफ कर दो। दे, 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 दे। माफ कीजिएगा बबली, ये जोरू के गुलाम के काम नहीं बल्कि सक्कू भाई के काम है। गुलाम कभी आर्गुमेंट नहीं करते, जितना कहा है उतना करो। देखो बबली, तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही हो। अमित तूने जो ये पहले से इसको ढील दे रखी है ना, उसका नतीजा है। हाँ इसके कान के नीचे पहले से आवाज निकालता ना तो इसकी जबान ही नहीं चलती। अरे छोड़ यार,
पहले से कान के नीचे आवाज निकालता तो ये इसे बाहर नहीं निकाल देती। ए, क्या रहे तुमने हस्बैंड वाइफ को क्यों लड़ा रहे हो? अंकल आप बीच में मत आओ, तुम मुझे कहो तुम बर्तन धोओगे या नहीं? नहीं, हरगिज नहीं। देखो अमित मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। ए, तलाक कोई हार्ट शेप बुलू नहीं जो आपको सिग्नल पर जाकर मुझको हल्के देने की बात करती है। अमित तुम मुझे ललकार रहे हो। मीनाक्षी जी मुझे ये बताओ आपकी पहचान में कोई झूठा मक्कार गिरा हुआ वकील है? हाँ है ना, हमारी महिला मुक्ति की शाखा के पास एक बोझ है, अरे गिरे हुए से भी गिरा वकील है। तो फौरन डिवोर्स के पेपर्स बनवाओ। सवाल मत पूछो, अब हम कोर्ट में ही मिलेंगे। इससे पहले कि मेरे आदमी तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दे दफा हो जाऊंगा। ठीक है चला जाते हैं, लेकिन एक बात हमारे कान खोल के सुन लीजिए, आप बहुत पछताएंगे, आप समझ गए? पछताते तो दिमाग वाले, और ऊपर वाला हमें वो चीज देना ही भूल गया है, तखलिया। शुक्रिया। अरे यार 8 बज गया। हाँ यार अमित अभी तक क्यों नहीं आया, पता नहीं कहाँ गया होगा। क्या करिए भैंस की तरह, और करो अप्रैल फूल, कुछ ऊंच नीच कर बैठा तो कौन सी मैं था? अरे नहीं नहीं अमित ऐसा नहीं है, अमित तो सुलझा हुआ लड़का है। ए, इस सुमो पहलवान को बोलो कि सुलझा हुआ लड़का ऐसे पावली कम लड़की से शादी नहीं करता। सुमो या चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। आइए राम सिंह कहाँ गए थे तुम? अमित साहब को गुराइबीच छोड़ने गया था मैडम। हाँ अमित एसलवर्ड घूमने गया है? नहीं मैडम ये चिट्ठी आपको देने को कहा है। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? आई थिंक कागज पर लिखी हुई चिट्ठी, आप पढ़ोगे? अबे चक्रम तेरी पर्सनल चिट्ठी है तू पढ़। अरे हमें पर्सनल कुछ नहीं है, लो मैं पढ़ती हूँ। मेरी जान से प्यारी बब्दी, आज तुमने मुझे इतना जलील किया कि मुझे लगा हम जीकर क्या करेंगे। अरे ये लाइन तो कैसे मारी हुई लगती है। अरे वो सैगल साहब का गाना है ना, वो हम जी के क्या करेंगे जब दिल की टूट गया, जब दिल ही टूट गया उल्फत का दिया। लेकिन अंकल ये गाना ही गलत है। क्यों? अगर आदमी का दिल टूट जाए तो वो वैसे ही मर जाएगा। ये तो अपना खत पढ़ना। हाँ खत पढ़ती। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी की कहानी पर भी एन का टाइटल लगाने का फैसला किया है। फिर मेरी मौत का अफसोस मत करना, मेरी अंतिम यात्रा धूमधाम से निकालना, शमशान में आइसक्रीम पार्टी करना और बैंड बाजे का इंतजाम करना, जिसमें मेरा फेवरेट गाना झोपड़ी में चार पाई बजवाना। तुम्हारा अमित। नहीं बर्बाद हो गई, मैं तुम्हारी पानी में सूजी हुई डेड बॉडी नहीं देख सकती। देखा मजाक करने का नतीजा देखा? बापू ऐसा कुछ नहीं है बबली, वो अमित हम लोग को अप्रैल फूल बना रहा है। हाँ यार एक चलो जाके सो जाते हैं। हाँ चलो। अरे राम सिंह तुमने खाना खाया? नहीं मैम साहब। जाओ ताज में जाकर खाना खा लो। लेकिन पैसे? अरे तनख्वाह नहीं मिली क्या? तनख्वाह तो मिली मैडम, लेकिन वो एक बार खाने में खत्म हो जाएगा, बाकी महीने भर घर वाले क्या खाएंगे? तुम्हारा सर। शादी कर ली और हमें बुलाया ही नहीं। बोलो उसने किसी को नहीं बुलाया तो इसे क्यों बुलाता? अरे बिना, लेकिन बाहर से कोई बुला रहा है, दरवाजे की बेल बजा रहा है। बजाने दो। अरे कोई आया है? आने दो। अरे रात के 3 बजे हैं। बजने दो। लगता है मुझे ही जाके दरवाजा खोलना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हो? दरवाजा खोलने। हिसाब किताब बराबर रखना। बोलो इसे लग रहा है कि मैं कोई दुकान खोलने जा रहा हूँ। जाने दो। ए, गाना गाओ। ये घर है, कोई कोठा नहीं है, तो रात के 3 बजे तबला और सारंगी की आवाज है। ये करो वो करो, एक जगह चुप बैठे के होता ही नहीं। आ गए।
आपके घर में कोई बबली देवी है? नहीं, वो श्री देवी के घर गई है। क्या? अरे कौन आया है? पुलिस! अरे क्या हुआ? पुलिस इधर क्या कर रही है? देखिए, हमें गोराई बीच से एक लाश मिली है, जिसकी जेब से एक चिट्ठी मिली है, जिसमें आपके यहाँ का पता लिखा है और नाम लिखा है बबली। अरे अगर मेरे बॉस को पता चलेगा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। बापू, इस लड़की का सुहाग उजड़ गया है, आप अपनी नौकरी की बात कर रहे हो? अरे हमें क्या पता था कि हमारा मजा कितना महंगा पड़ेगा। हाँ, वो बैंड वाला भी अभी तक आया नहीं, उसको भी ना खर्चा पानी देना पड़ेगा सच्ची में। हेलो गफूर भाई, काजल भाई बोल रहे हैं। अरे क्या हुआ, वो बाजा वाले आए नहीं अभी तक? अरे बोला ना किसी की अंतिम यात्रा के लिए चाहिए। हेलो हेलो, क्या हुआ? बोलता है सुबह से कोई मिला नहीं जो अपन को उल्लू बना रहा है। अरे वो आइसक्रीम वाले को कहा है ना कि शमशान में 500 प्लेट काजू किशमिश भेजे। आइसक्रीम? आइसक्रीम शमशान में क्या जरूरत है उसकी? हाँ, मेरे अमित की अंतिम इच्छा थी कि उसकी मौत पर सारे हंसे, आइसक्रीम खाए और बैंड बजाए। लगता है संभाल के जिंदा बॉडी में जहाँ होती है वहाँ। हाँ? यानी मरने के बाद लेफ्ट साइड चेंज नहीं होते? और ये तुझे लेफ्ट साइड लेके क्या करना है? कलेजा लेफ्ट साइड में ही होता है ना? नहीं नहीं बबली, नहीं नहीं, ये कलेजा मुझे दे दे अमित। अरे क्या सब कुछ मारना लगी क्या? कैसे उल्लू बनाया है? तो क्या तुझे मालूम था क्या मारा नहीं? हाँ कैसे? अरे मुझसे पूछे बगैर तुम पानी नहीं पीते तो मरोगे क्या? और अगर सचमुच के मरे होते ना तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं देती। मैं तो ऐसे ही अप्रैल फूल बनाने निकला था, लेकिन फूल को भी कोई कैसे फूल बनाए। हाँ दोस्तों, अप्रैल फूल के दिन मजाक जरूर करो, लेकिन ऐसा मजाक मत करो जिससे किसी की जान पे बनाए। यस!